और आज पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक संत समाज का जो मतलब राजनीतिक कैरियर था वो पुनः 5 साल के लिए यहाँ पर फिर से जो है बीजेपी के खाते में ही गई है सरकार। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या अपेक्षा करते हैं कि 84 कोसी परिक्रमा और विश्व विख्यात निर्मित क्षेत्र के लिए? देखो, मूल विषय ये है कि किसी भी राष्ट्र को का जो सीमा रेखा है वह उसकी सांस्कृतिक सीमा रेखा होती है, और जब राष्ट्र की संस्कृति मरती है तो राष्ट्र निष्प्राण हो जाता है। और आज हमें भारतीय संस्कृति की आवश्यकता है। इस भारतीय संस्कृति को पुष्ट करने के लिए और इस भारतीय संस्कृति को तुष्टीकरण करने के लिए जो सरकार सामने आएगी वह निश्चित ही भारी बहुमत से विजयी होगी। आज की मांग है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति को पुष्ट करें और हम जो हमारे मौलिक सिद्धांत हैं, जो हमारी मौलिक परिपाटियां हैं, उन पर चलें, तभी भारत अपनी पूर्ण ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएगा। और आज जो काम हुआ है, जो भाजपा जीती है, तो जनता ने बताया है कि वह मूलतः भारतीय संस्कृति को स्वीकार करती है और भारतीय संस्कृति का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति के प्रति यदि कोई भी उसका विरोध करता है तो उसको स्वीकार नहीं करेगी। पिछले 5 साल में जो सरकार बीती थी उसमें कोरोना काल या अन्य चीजें रही, समस्याएं रही और पूरे विश्व लेवल पर रही, लेकिन उन्हीं के कारणों से माना जाए या कुछ भी कारण रहे हो, ये निर्मित क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ ऐसी मतलब गिनाने की चीजें नहीं रही जिन्हें हम कह सके बीजेपी ने किया था। ये मतलब निर्मित क्षेत्र के लोगों ने भी कहा और धरातल पर भी दिखता है। अब आने वाले समय में क्या आमूलचूल परिवर्तन आप देखते हैं? योगी सरकार जो है ये मूलतः तीर्थों का स्वर्णिम काल कहा गया है। उन्होंने कई तीर्थों में खूब विकास किया, नैमिषारण्य के लिए भी घोषणाएं की, लेकिन जो काम 5 साल पहले नहीं हो पाया नैमिषारण्य के साथ, हम आशा करते हैं कि इस भाजपा सरकार में ये काम निश्चित होगा, क्योंकि यह हमारी संस्कृति को पुष्ट करती है सरकार। और बहुत संतों की सभी संतों ने मेहनत भी की है, भगवान से प्रार्थनाएं की है कि पुनः योगी जी आवें और हम सबके भी दिन खुलें और एक बार जो है नैमिषारण्य तीर्थ भी अपनी गरिमा को प्राप्त करे। हम आशा करेंगे भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि वो जो अपने वायदे हैं उन्हें याद रखे और उन पर कायम बनी रहे और हम इन 5 सालों में नैमिषारण्य को उसकी प्रतिभा से संपन्न देख सकें। मेरे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।